WCC3 के वर्ल्ड कप का पहला मैच और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ये मैच है। दिल्ली के स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। पिच रिपोर्ट ये भाई साहब यहाँ पर दे रहे हैं। वैसे तो ये रिपोर्ट कुछ खास देते नहीं है, बस माइक लेकर के खड़े रहते हैं। पर खैर, यहाँ पर टॉस का समय, हेड्स चूज करेंगे। और हाँ, हम चाहेंगे कि हम टॉस जीते, क्योंकि बॉलिंग करना चाहते हैं हम, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। और जी हाँ, बिल्कुल, टॉस हम जीत चुके हैं, बॉलिंग का फैसला हमने कर लिया है। Let us all rise for the national anthem. तो मैच की शुरुआत अब करते हैं। बॉलिंग का फैसला हमने कर लिया है। हमारी ओपोनेंट टीम यानी कि वेस्ट इंडीज का टीम का स्क्वाड ये है आपके सामने, और ये है हमारी इंडियन टीम का स्क्वाड। हमने चार ऑलराउंडर खिलाए हैं, चार बैट्समैन खिलाए हैं और तीन जो है बॉलर हैं। यहाँ पर फिलहाल हमारी फील्डिंग टीम जो है वो ग्राउंड में आ चुकी है ओपोनेंट टीम की तरफ से। कौन से दोनों ओपनर होंगे? और हाँ, टॉस के समय एक बात हम करने वाले थे, पर उसके बाद हम भूल गए, या भूल तो नहीं गए, पर एक सामने जो सीन आया, एक नया अपडेट आया। पहला अपडेट तो ये है, वो अंपायर के कपड़े जो है आपने देख लिए होंगे, ब्लू कलर की शर्ट और वाइट ब्लैक पैंट। तो पहले ये नहीं था, एक अपडेट ये है। एक अपडेट और, जो मैच की शुरुआत में जो नेशनल एंथम होता है तो वहाँ पर एक जो आवाज़ आती है बैकग्राउंड से जो गेम में है, वो पहले नहीं थी, वो एक नई ऐड हुई है। तो खैर, इन सारी बातों को फिलहाल, मतलब इन बातों के बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैच की शुरुआत करते हैं। पहली ही बॉल पर एक सिंगल ले लिया है शे होप ने, और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेशन के साथ पहले रन चढ़ चुके हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए, और डबल लिया है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यहाँ पर थोड़ी सी फुल लेंथ की बॉल और स्ट्रेट बॉल, कोई आउट स्विंग या इन स्विंग नहीं, सामने की तरफ ये शॉट खेला है। फील्डर मौजूद और बिल्कुल एक भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर एक फील्डर जो है वो बॉलर को कुछ समझाते हुए कि इस लाइन और लेंथ में डाला जा सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट डालें और थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, एकदम ये वाली लाइन में फुल लेंथ पर, और थोड़ा सा इस बार इनस्विंग डाला है और यहाँ पर फील्डर मौजूद है, वहाँ तक बॉल कैरी नहीं की। पर हमें जो लगता है कि एक गलती, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो पहुँच गए हैं, ये साफ पहुँच गए। यहाँ पर आप अंपायर के कपड़े देख सकते हैं, ब्लू शर्ट जैसा कि हमने बात की थी और ब्लैक पैंट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मैच जब शुरू हुआ था तो वहाँ पर नेशनल एंथम से पहले एक आवाज़ आई थी बैकग्राउंड से, वो एक अपडेट था। और हाँ, टॉस के समय हम इस बारे में बात करने वाले थे कि ये 5 ओवर का मैच हम खेल रहे हैं, और 5 ओवर के मैच में वर्ल्ड कप में कितने रन्स बनेंगे, यहाँ पर शायद चौका हो सकता है। और बिल्कुल हाँ, पहली बाउंड्री आ चुकी है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए, और काफ़ी अच्छा ये चौका था। वहाँ पर ऑफ साइड पर जो फील्डर मौजूद था, पॉइंट का फील्डर तो कोई है नहीं, कवर्स का भी फील्डर नहीं है, वो ऑफ साइड पर एक ही फील्डर है। यहाँ पर पीछे की तरफ ये शॉट खेला है फाइन लेग के फील्डर के तरफ, एक रन मिलेगा या दो रन, बिल्कुल हाँ एक रन। और इस एक रन के साथ पहले ओवर में 9 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। 4 ओवर का मैच अभी भी बचा हुआ है, और हाँ, इस बारे में हम बात कर रहे थे कि 5 ओवर के मैच में कितने रन्स बनाएगी ओपोनेंट टीम, इसका हमें कुछ खास अंदाज़ा नहीं है कितने के रन रेट के साथ खेलेगी। अभी तो फिलहाल 9 का रन रेट है, पर ये 9 का ही रन रेट रहेगा या 10 का हो जाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। फिलहाल यहाँ पर इस दूसरे ओवर की पहली बॉल आवेश खाना है इस ओवर को डालने के लिए। सामने की तरफ शॉट, फील्डर वहाँ मौजूद था, एक भी रन नहीं मिला। 7 बॉल और 9 रन अभी तक के इस मैच का जो लेखा जोखा है वो कुछ ऐसा है। सामने की तरफ ये शॉट है, चौका होना चाहिए, और बिल्कुल हाँ, फील्डर को जस्ट पार कराया, और वहाँ पर फील्डर को एक बार बॉल पार कर गई तो चौका मिल ही गया। और इस चौके के साथ इस ओवर में, इस ओवर के पहले रन्स आ चुके हैं 4 रन के रूप में, एक बाउंड्री के रूप में, और ये काफ़ी लेट खेला उन्होंने शॉट, और थोड़ा सा अगर और लेट होता तो ऐसा हमें लगता है कि वहाँ पर विकेट जा सकता था, काफ़ी चांस था। खैर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो हैं स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, एक भी बॉल इन्होंने अभी तक के खेली नहीं है। शॉर्ट लेंथ की बॉल और काफ़ी शॉट डाली थी हमने, थोड़ा सा अपर कट मारना चाहते थे पर शायद वो लगा नहीं, बॉल थोड़ी सी धीमे भी थी,
यहाँ पर एक ड्रिंक्स ब्रेक तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ छोटा एक ब्रेक जो कहा जा सकता है कि एक फील्डर को एक 12th मैन जो है वो पानी की बोतल देने आए। फिलहाल यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल और सामने की तरफ ये शॉट है, बहुत ही खूबसूरत ये शॉट, पर ओ हो ये ऐसी फील्डिंग तो पहली बार देखी हमने कि सिर कहीं और है, देख कहीं और रहे हैं और बॉल कहीं और से आ रही है, क्या बात है। वाह, पहली बॉल पर पहले रन ले लिए थे काइल मेयर्स ने। यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की बॉल है, सामने की तरफ ये शॉट है, कैच तो नहीं, चौका होगा ये। इस ओवर का ये दूसरा चौका है, 11 रन आए हैं इस ओवर में। पिछले वाले ओवर में 9 रन आए थे, इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं। इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि 5 ओवर में कितने रन बन सकते हैं, तो इसी चीज़ के लिए हमने बॉलिंग दी थी और इसी बारे में हम बात कर रहे थे। पर फिर वहाँ पर वो नेशनल एंथम आया तो वहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए, रुकना चाहिए। और खैर यहाँ पर फिलहाल इस ओवर की ये पहली बॉल और वाइड हो चुकी है ये बॉल। ये इन स्विंग बॉल थी, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा बाहर हमने नहीं रखी थी, पर अब ये वाइड हो गई है। कैसे हुई इसका तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। इस बार बिल्कुल वाइड नहीं है, ये अच्छी बात है। वहाँ पर गैप में शॉट खेला, पहला रन आसानी से मिल जाएगा, दूसरे रन की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। 22 रन वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 22 रन बना दिए अभी तक के, और ये 22 रन हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत जो है मतलब धूम धड़ाके के साथ बनाए हैं, बहुत सारे चौके छक्के बहुत ही धमाके के साथ बनाए हैं, पर हाँ यहाँ पर एक डबल लिया और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिल रही है, ये तो कहना होगा। खैर इस ओवर में अभी तक के 4 रन आ चुके हैं और पिछले वाले ओवर में 11 रन आए थे, 11 रन का वो ओवर था, इस ओवर में 4 रन आ चुके हैं। यहाँ पर ओ हो एक और वाइड बॉल के चलते रन, 2 वाइड बॉल इस ओवर में डाल चुके हैं ये, क्या बात करें हम इनके बारे में। करंट रन रेट जो है 10.71 का है, अगर ये 50 ओवर का मैच, ओ हो क्या बात है, ये वाइड बॉल थी, बैट्समैन जो है वहाँ पर थोड़ा सा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा जो पीछे फील्डर मौजूद है स्लिप का फील्डर है उससे बहुत ही फाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत सारी गलतियों की वजह से, और हाँ बहुत सारी गलतियों की वजह से वहाँ पर स्लिप के फील्डर ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा, वो उतना आसान कैच नहीं रहता है, पर हाँ वहाँ पर एक अच्छा कैच और उसके चलते एक विकेट मिला हमारी टीम को। यहाँ पर कवर्स की तरफ शॉट खेला है, फील्डर वहाँ मौजूद है और अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और यहाँ पर सिर्फ एक रन मिला है, पर फिर भी ये कहना होगा कि इस ओवर में अभी तक के 6 रन आ चुके हैं, 2 बॉल अभी भी बची हुई है। यहाँ पर इन बची हुई 2 बॉल में कोशिश ये करनी होगी कम से कम 4 रन से ज़्यादा तो ना जाएं भाई। यहाँ पर सामने की तरफ शॉट, फील्डर मौजूद थे, एक भी रन नहीं मिला। इस आखिरी बॉल में, इस ओवर की आखिरी बॉल में देखना होगा क्या होता है। आउट स्विंग बॉल है, फुल लेंथ की बॉल, सामने की तरफ शॉट है, फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एक रन मिल सकता है, और जी हाँ बिल्कुल एक रन मिल चुका है, और इसी के साथ इस ओवर में 7 रन आए। अभी भी 2 ओवर का ये इनिंग्स बची है वेस्ट इंडीज़ की टीम की। शे होप जो है वो ठीक खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा तो क्या कहा जाए, पर हाँ 13 बॉल 17 रन, एक 100 का जो स्ट्राइक रेट है उससे ज़्यादा है। अब दुबे खुद आ चुके हैं, कैप्टन है दुबे इस इंडियन टीम के, इस जो वर्ल्ड कप की सीरीज़ हम खेलेंगे पूरी उसमें कैप्टन दुबे ही रहेंगे। यहाँ पर फिलहाल फुल लेंथ की बॉल है और ओहो ये कैच नहीं हो पाया है, वन टिप गई है बॉलर के हाथ में, और ये इतनी तेज़ जो हमने ओहो हो किया ना, हमें लगा कि एक और विकेट मिल जाएगा और दुबे को एक विकेट मिल जाएगा, पर दुबे को विकेट नहीं मिल पाया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश और वाइड बॉल हो गई है। इस पिच पे एक बात तो है कि उतना टर्न नहीं है, क्योंकि अगर टर्न होता ना तो ये बॉल वाइड नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती,
यहाँ पर चौका हो सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल हुआ है चौका। इस चौके के साथ दुबे के इस ओवर में आ चुके हैं अभी तक के कुछ पाँच रन, शायद पाँच रन, और पाँच रन नहीं मेरे ख्याल से छः रन आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक वाइड के चलते भी जो रन आया था तो वो भी है। और फिलहाल यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल और ये वाइड नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है क्योंकि दूर ये भी थी काफ़ी। डायरेक्ट हिट यहाँ पर किया है इस फील्डर ने, पर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, दूसरे रन के लिए भागे ही नहीं थे बैट्समैन। इस ओवर में सात रन आ चुके हैं, तीन बॉल अभी भी बची हुई हैं। फुल लेंथ की बॉल और ओ हो यहाँ पर भी एक सिंगल मिलेगा। आठ रन इस ओवर में आ चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम का स्कोर हो चुका है 35 रन्स। अच्छा क्या लगता है शे होप कितना रन बना लेंगे? 20 रन, 25 रन, क्या उम्मीद है? और हाँ जो लगता है वो अभी कमेंट करके बताइए, अगर यहाँ तक कि आपने वीडियो देखा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और हाँ इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वर्ल्ड कप की सीरीज़ की आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। और यहाँ पर गैप में एक शॉट है, इस शॉट के साथ एक और रन मिलेगा शे होप को और 20 रन जो है वो शे होप के पूरे हो चुके हैं। खैर एक ओवर का ये वेस्ट इंडीज़ का इनिंग्स अभी बचा हुआ है, बैटिंग इनिंग्स, वेस्ट इंडीज़ की टीम की ये जो बैटिंग की इनिंग्स है ये अभी एक ओवर की बची है। और आखिरी ओवर को डालने के लिए यहाँ पर ये आए हैं शार्दुल ठाकुर, देखना होगा आखिरी ओवर में ये क्या करते हैं, क्या कमाल करते हैं। 37 रन्स बना दिए हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अभी तक के, जो एक रन रेट है वो 10 का तो नहीं चल रहा है अभी तक के। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल और बैट्समैन ने बहुत ही अच्छा रूम बनाया और कवर्स के ऊपर से खेला, एक अच्छा चौका मिलता हुआ। इसी चौके के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम का स्कोर हो चुका है 41 रन्स। यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करेंगे, पर हाँ कोशिश ये भी करेंगे कि वाइड ना हो। यहाँ पर सामने की तरफ शॉट है, फील्डर मौजूद पर वही बॉल कैरी नहीं की। खैर चार रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक के और शे होप जो है वो 24 रन्स पर खेल रहे हैं, 18 बॉल्स 24 रन्स। यहाँ पर एक और लॉफ्टेड शॉट और इस बार भी फील्डर के पास नहीं, जस्ट ज़रा से आगे गिरी बॉल। यहाँ पर डबल आसानी के साथ ले लिया है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स शुरुआत से कमाल रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम की। और हाँ ये कहना होगा कि इस मैच में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स करी है। और ये जो वाइड बॉल है ना, अब हमें नहीं लगता कि ये बॉल वाइड है, ये लाइन पर थी और उतनी ज़्यादा तो लाइन पर भी नहीं थी, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अंदर ही थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शॉट है, चौका तो नहीं पर डबल मिल सकता है और जी हाँ बिल्कुल डबल मिला है। और यहाँ पर जो हमारी इंडियन टीम के विकेट कीपर हैं वो फील्ड को थोड़ा सा सेट करते हुए, इस ओवर की ये सेकेंड लास्ट बॉल है, इसके बाद एक बॉल और बची रहेगी। फुल टॉस ये बॉल सामने की तरफ खेलने की कोशिश, फील्डर को पार कराया और मिला है एक चौका। इस चौके के साथ चौंकाया है बैट्समैन ने हमें क्योंकि 50 रन, वेस्ट इंडीज़ की टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं। और शार्दुल ठाकुर का जो ओवर है वो अभी तक का सबसे महंगा ओवर है, 13 रन दे चुके हैं वो। सामने की तरफ ये शॉट, पहला रन ले चुके हैं, ले लेंगे पहला रन तो ले लेंगे, दूसरे रन की कोशिश है और आसानी के साथ पूरा किया है। इन दो रनों के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम का स्कोर हो चुका है 52 रन्स एक विकेट के नुकसान पर। और अब इंडियन टीम को जीत के लिए चाहिए होंगे 53 रन्स। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उमरान मलिक ने एक विकेट लिया, 7 रन दिए थे, उनके बाद हार्दिक पांड्या जो हैं विकेट नहीं मिला पर 9 रन दिए थे, ठीक ठाक बॉलिंग की थी, विकेट तो नहीं मिल पाया पर हाँ बाकियों के कंपैरिजन में वो ठीक था। पर उमरान मलिक काफ़ी अच्छी बॉलिंग। और यहाँ पर फिलहाल जो है, जबकि एक बात और है कि उमरान मलिक के ओवर में वाइड बॉल्स, शायद 2 वाइड बॉल हुई थी। और खैर यहाँ पर अब हमारी इनिंग्स की शुरुआत हो चुकी है तो हम
पूरा ध्यान जो है अपना बैटिंग पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, बैटिंग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की बॉल, अर्ली नाइस ट्राई, टाइमिंग है। और हाँ, इस टाइमिंग को हम ये कह सकते हैं, जैसा कि वो लिखा भी है, अर्ली बट नाइस ट्राई, तो ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी कोशिश नहीं थी। यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी सी और अच्छी करने की कोशिश करेंगे और चौका लगाने की कोशिश पर सेम वही, थोड़ा सा अच्छा, परफेक्शन के थोड़ा सा करीब था। यहाँ पर दूसरे रन क्यों नहीं ले, अबे ये क्या है यार, ये जब फील्डर ने, जब चौका हुआ ही नहीं, फील्डर ने बॉल फेंकी, तो ये तो डबल, मतलब डबल के लिए हमें भागने देना चाहिए था ना यार, ये चौका कैसे मिल गया। पर खैर मिल गया वो अच्छी बात है, पर ऐसा चौका हमें चाहिए नहीं, हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। अब यहाँ से झड़ी लगाने की शुरुआत करते हैं चौके छक्कों की। खैर थोड़ा सा रुक करके खेलते हैं, ज़्यादा फ्लो में, जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट है, पहला रन तो ले लिया है, दूसरे रन के लिए भागे भी नहीं है। इस ओवर में ही अभी तक के 9 रन आ चुके हैं। और यहाँ पर एक सामने की तरफ एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश, पर टाइमिंग जो थी ना वो बहुत ही बेहद ख़राब थी। ओहो, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर दूसरे रन के लिए नहीं भागना चाहिए था, और अगर भागना चाहिए था तो पहला रन लेते ही दूसरे रन के लिए भागना चाहिए था। वहाँ पर थोड़ा सा लेट कर दिया हमने, और ईशान किशन का विकेट जो है, 4 बॉल में 9 रन बनाकर ईशान किशन का विकेट चला गया। अब शुभमन गिल आए हैं, 2 हाफ सेंचुरीज वो अभी तक के लगा चुके हैं इस सीरीज़ में। और हाँ, यहाँ पर एक गुड लेंथ की बॉल है, सामने की तरफ शॉट है, अर्ली नाइस ट्राई, टाइमिंग पर। हाँ, ये भले अर्ली नाइस ट्राई लिखा हो, हम एक बात तो कह सकते हैं कि जब बॉल इतनी अच्छी लॉफ्टेड हो, अच्छी प्लेसमेंट हो, तो वहाँ पर चौका मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि टाइमिंग अच्छी नहीं होती है, पर प्लेसमेंट इतनी कमाल की होती है कि वहाँ पर चौका मिल जाता है। और कई बार आपकी प्लेसमेंट चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर टाइमिंग अगर अच्छी ना हो तो विकेट भी चला जाता है। पर खैर, उन सारी कंफ्यूजिंग बातों को फिलहाल बगल करते हैं। और यहाँ पर एक ओहो, छक्का लगाने वाले थे हम, पर लगा नहीं। यहाँ पर कोशिश करेंगे एक छक्का लगाने की, यहाँ पर तो नहीं, ये तो यॉर्कर लेंथ की बॉल है। यहाँ पर छक्का लगाने की कोशिश करते तो विकेट चला जाता। 39 रन्स बनाने हैं 23 बॉल्स में, ओके। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.36 का है, करंट रन रेट 11.25 का। फुल लेंथ की बॉल सामने की तरफ खेलना चाहते थे, पर फिर हमने सोचा कि मिड विकेट की तरफ, जो मिड विकेट का फील्डर है उसको पार कराया जाए, और क्या खूबसूरती के साथ पार कराया है, 130 मीटर का छक्का। इस बार सामने की तरफ शॉट खेला है, चौका मिलना चाहिए, और जी हाँ बिल्कुल मिला है जी। इसी के साथ 20 बॉल में अब चाहिए जीत के लिए 28 रन। कुछ देर पहले हमारी टीम के, यानी कि इंडियन टीम के विकेट कीपर जो है वो फील्ड को थोड़ा सा सेट कर रहे थे। अभी यहाँ पर हमने इतने ज़्यादा चौके छक्के लगा दिए हैं, छक्के तो उतने नहीं लगाए हैं, पर हाँ चौके लगाए हैं, सिंगल डबल लिया है। तो उसी के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम के, ओह हो हो, एक और नया अपडेट। पहले नो बॉल के समय ये ऐसा साइरन जैसा कुछ नहीं बजता था, वो अब बजा है, और ये बहुत ही खूबसूरत अपडेट है, ये बहुत ही रियलिस्टिक बनाता है इस चीज़ को, इस गेम को। यहाँ पर खूबसूरत प्लेसमेंट, खूबसूरत टाइमिंग, और ओह हो, ये क्या आसमान की तरफ बिल्कुल, मतलब हाथ करके छक्का दिखाना यार। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल है, सामने की तरफ शॉट है, टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो चौका क्या, यहाँ पर तो डबल लेना भी मुश्किल है, पर खैर मिल गया, अच्छी बात है। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का मैच बचा हुआ है। जो रन रेट है ना, 17 पॉइंट कुछ का बना दिया है हमने। यहाँ पर इस ओवर को डालने के लिए एक स्पिनर आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि स्पिनर के ओवर में कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। वैसे तो इस फील्ड में रिस्क लिया भी नहीं जा सकता है, इस फील्ड में हम थोड़ा सा रिस्क लेने से कतराते हैं कई बार,
यहाँ पर एक सिंगल लिया हमने और डबल की कोशिश भी नहीं करेंगे। 18 बॉल में 18 रन चाहिए, आसानी से बन जाएंगे, बहुत ही प्यार से बन जाएंगे। अब यहाँ से एक बात तो तय है कि फुल लेंथ की बॉल पर यहाँ पर फिर से सिंगल लेंगे। और हाँ, इस बारे में हम बात करने वाले थे कि एक बात तो तय है कि सिंगल डबल लेने की कोशिश करेंगे, जब फील्ड बदलेगी तब भले ऐसा होगा कि चौका या छक्का लगा दे, इस फील्ड में तो सिंगल ही लेने की कोशिश करेंगे भाई हम। यहाँ पर एक और सिंगल और इस सिंगल के साथ, और हाँ एक बात है कि लगातार 3 सिंगल हमने ले लिया है। और हाँ इस बात के बारे में हम बात करने वाले थे कि लगातार 3 सिंगल हमने ले लिया तो शायद फील्ड बदले, और जी हाँ बिल्कुल फील्ड बदली है। मिड विकेट के फील्डर के बहुत ही करीब से हमने शॉट को खेला, चौका निकाला है। यहाँ पर टाइमिंग अच्छी नहीं थी, प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर फील्डिंग अच्छी होती ना, थोड़ी सी भी अच्छी फील्डिंग होती तो यहाँ पर बॉल रुक सकती थी, वो जो चौका था, जो बाउंड्री थी वो रुक सकती थी। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल पीछे की तरफ खेला है इसको, और क्या खूबसूरत खेला है। थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ गए, एक घुटने पर बैठा और पीछे की तरफ बस उसको फ्लिक कर दिया। सेम शॉट एक बार और खेलने की कोशिश करेंगे, पर फिर हमने सोचा कि भाई सामने का जो गैप है थोड़ा सा फ़ायदा उसका भी लिया जाए, फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। ये बात कहना होगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम की फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ पर इस मैच में। और अब यहाँ पर बहुत ही कम रन्स बनाने को बचे हैं हमें, 12 बॉल का मैच बचा है और रन्स जो है हमें 12 या 10 भी नहीं बनाने हैं, सिंगल डिजिट में है रन्स। और अब यहाँ से मैच जो है लगभग के 2 या 3 बॉल का बचा है, पर देखना होगा। अब बात ये भी होती है कई बार कि मैच यहाँ से जीता तो आसानी के साथ जा सकता है, पर कई बार जोश में या गलत शॉट के साथ 2-3 विकेट्स गिर जाते हैं, तो वो संभालना होगा, वो हमें बचाना होगा। यहाँ पर एक सिंगल लेने की कोशिश, और जी हाँ बिल्कुल इसी के साथ एक सिंगल मिल चुका है। थोड़ा सा कवर्स के ऊपर से अगर खेला जा सके तो कोशिश करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कवर्स के ऊपर से खेला जा सकता है, थोड़ा सा रूम है, और बिल्कुल हाँ कवर्स के फील्डर को पार कराया है। और इस चौके के साथ वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच जो वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ था वो जीत लिया हमने। और मैन ऑफ द मैच जो है वो शुभमन गिल है, 9 बॉल में 26 रन बनाए इन्होंने कमाल के।